हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस ब्लॉग। आज हम जाने वाले हैं पहाड़ के ऊपर वापस। अभी बज रहे होंगे 6:15 बज रहे गाइस, नेर के पंजाबराव स्टेडियम के पास के अपने पहाड़ों के ऊपर। जैसे कि आपने इसके पहले भी एपिसोड देखे होंगे, 1, 2, 3 पार्ट आ चुके हैं। तो अभी हम आ चुके हैं आधे के बीच में। बाकी तो ठंड बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ चुकी है, उत्तराखंड के जैसी। तो मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन कैसी है और हमें कितना आगे जाना है। बाकी मैं आपको व्यूज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे पहाड़ है, देखो। अभी अपने को और थोड़ा ऊपर जाना है अपने व्यू पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे वो टाकी लगी है। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन पहाड़ थोड़ा मतलब कितने फीट है आई थिंक मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन 100 फीट से तो ऊपर ही है। 100, 200, 300, 400 फीट भी हो सकता है, आई थिंक 500 फीट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पहाड़ नहीं है गाइस, 2-4 पहाड़ है। तो 2-4 पहाड़ अगर देखा जाए तो बहुत ऊँचे है, तो उनमें से कौन कितने फीट का है एक्चुअली तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो अभी देखो पक्षी का आवाज़ कितने ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है गाइस। वो देखो, वो तीन लौंडे अपने ऊपर जाके पहुंच चुके हैं बंदर के जैसे। ये अपना पहाड़ है और थोड़ा ऊपर चढ़ाई करना है मेरे को। इधर के साइड में भी पहाड़ ही पहाड़ है गाइस, और उधर अपना गाँव है नेर। और पूरे नेर शहर वाले सब लोगों को देखने की इच्छा थी, वैसे तो देख चुके हैं बहुत से जन, यहाँ पे पहुँच भी चुके होंगे, लेकिन भाई साहब ब्लॉक के अंदर देखने की इच्छा बहुत जन की थी। चलो चलते हैं उस पॉइंट के। ये देखो ऊपर जा रहे हैं गाइस, टाकी के ऊपर। चलो मैं भी निकलता हूँ ऊपर जाने के लिए। गाइस देखो, यहाँ पे रूम है, मैंने कहा था ना अपने टाकी के ऊपर टाकी के नीचे रूम है, यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। चलो चलते ऊपर भाई साहब, यहाँ पे भी इसके नीचे हम निकले चुके। चलो थोड़ा पकड़ के चलता हूँ मैं कैमरा। सनराइज होने वाला है, टाइम लिस्ट जल्दी लगाएंगे। बाकी आप नज़ारा देखो, यहाँ से दूर दूर के गाँव दिख रहे हैं, जैसे खेड़ेगांव दिख रहे बहुत ज़्यादा। देखो भाई, हमारे नेर में कुछ कोई बात की कमी नहीं, चिकलदारा जाने की बात नहीं कहा है, चिकलदारा से भी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे। सनसेट पॉइंट भी है, सनराइज पॉइंट भी है, और वहाँ पे लेक के पास भी हम गए थे गाइस, तुमको पता होगा। पार्ट 3 है ना, हाइकिंग ऑन रेनडियर हिल पार्ट 3 या फिर 4। देखो आपको व्यू दिखाता होता ना, देखो मैं अंधेरा होने से आपको सूरज दिखना चाहिए भाई साहब, और रियल फील बहुत ज़बरदस्त है गाइस। देखो मैं तो दिख ही रहा हूँ आपको खतरनाक तरीके से, और अपने दोस्त लोग पीछे हैं, देखो इनका फोटो सेशन चालू है, घूम रहे इधर है, इधर जय है फोटो निकल रहा है। पीछे अपना नेर है गाइस, इधर के साइड में पूरा जंगल है, और इधर के साइड में जंगल है गाइस। ऊपर देखो रॉकेट, बढ़िया लोकेशन पे देखो भेल पार्टी होने वाली है। देखो ये भेल बनाने वाली है एक सिंपल, क्योंकि भाई साहब ज़्यादा सामान तो यहाँ पे पहाड़ पे ला नहीं सकते, और लाया तो खराब हो जाएगा गाइस। पार्टी भी हो चुके हैं अभी, तो बहुत इंजॉय किया हमने, फोटोशूट भी किया, बाकी सिनेमैटिक एंड ऑल सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो अभी हम इस टाकी के दूसरे या फिर हाँ सेकेंड या फिर फर्स्ट फ्लोर पे होंगे, फर्स्ट फ्लोर पे हाँ ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए अभी निकलेंगे। बाकी भाई साहब यहाँ पे बहुत रिस्क है यार आने में, क्योंकि इसमें जो है ना सीढ़ियाँ इसमें थोड़े से नटी नहीं है, तो फिलहाल हम नीचे चलते हैं अभी, वैसे भी हमें जाना पड़ेगा। चलो फिलहाल चलते हैं। डेस्टिनेशन के अंदर एक रूम भी है गाइस, देखो यहाँ पे एक रूम भी है, रूम का टूर तो करना बाकी है। यहाँ पे पहाड़ के सेंटर में गाइस, इतने फुट के ऊपर आई थिंक 200 300 या फिर 500 फुट के ऊपर ये टाकी बनाई गई है गाइस। तो ठीक है, अभी इस रूम में अगर हमको कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे हम हो सके तो आया करेंगे। बाकी आप वीडियो में बने रहिए, देखो ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और अमेजिंग होगा। तो आप इसके अलावा जितने भी ब्लॉग है हाइकिंग के और भी
अलग अलग चीजों के पार्क के वगैरह वो अगर नहीं देखेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ आई बटन में दी जाइए। तो भाई साहब वीडियो जरूर देख लेना, इतना मजा आएगा और थोड़ा सा लोगों पर धंधे भी है तो वो भी जरूर देख लेना। बाकी चलो अभी यहाँ से दिखाने का तैयार है, रूम बंद करते हैं फिलहाल और चलते नीचे। गाइस इस कोपचे में किसको भी ला सकते हैं, बस आप बोल देना नीचे, कमेंट कर देना किसको लाना है यहाँ पे लाके फिर धनाधन रोनाल्डो। चलते हैं अभी नीचे हमारा अड्डा गाइस, बहुत मजा आया यहाँ पे। चलो नीचे चलते हैं, अभी काटे गिटे सब कुछ है, नीचे जाने के लिए निकल चुके हैं। तो आप देखते रहे पूरे ब्लॉक के अंदर, ये गाइस इधर देखो बहुत गहरी खाई है, अगर गिर गए ना बस दिखता ही नहीं। चलो अभी चलते हैं नीचे, ये पागल साले गए भी आगे, अपने को जाना पड़ेगा। देखो कैसा नजारा है, तो गाइज ये थे रेंडियर हिल का अमेजिंग ब्लॉग जिसमें हमने सनराइज देखा। और अगर आपको सनसेट वाला ब्लॉग देखना है तो जल्दी से जाके पार्ट 1, 2 and 3 देख लीजिएगा रेंडियर हिल के बड़े एडवेंचरस एंड अमेजिंग ब्लॉग्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू वीरेंद्र ठक ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।